हेलो एवरीवन, लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 18। ऐसे वाले क्वेश्चन ही हैं जो केमिस्ट्री को बोलते हैं कि टाइम बचाने वाला सब्जेक्ट है ना। ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन आए तो अपने को पता होना चाहिए और एक मिनट के अंदर ये सॉल्व होके आगे बढ़ जाना चाहिए। ये वाला मल्टीपल करेक्ट है ये भी, और जैसे 16th नंबर था, 16th का आंसर बी सी डी था, अगर उस वीडियो में आंसर मिस हो गया है तो। क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या बोल रहा है। मिक्सचर स्विंग पॉजिटिव डिविएशन फ्रॉम रॉड्स लॉ एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो भैया पॉजिटिव डिविएशन क्या है? तो डायरेक्ट एकदम एनसीईआरटी का क्वेश्चन है डायरेक्ट। तो CCl4 और मिथेनॉल क्या होता है, पॉजिटिव डिविएशन क्या होता है? मतलब जितना उम्मीद कर रहे हैं रॉड साहब उससे ज़्यादा वेपर बनेगा। ज़्यादा वेपर कब बनेगा? जब नया वाला इंट्रैक्शन AB इंट्रैक्शन जो है वो ख़राब होगा ओरिजिनल किसी भी इंट्रैक्शन से, ठीक है। ये है कंडीशन। अब मिथेनॉल रहा पोलर ROH, ये ओरिजिनल इतना मस्त इंट्रैक्ट करता है, देखिए है ना, एच बॉन्डिंग टाइप का इंट्रैक्शन है। अब CCl4 से ये कैसे इंट्रैक्ट करेगा इतना ज़्यादा? कर ही नहीं सकता है। तो ये अपना हो गया पॉजिटिव डिविएशन, ठीक है। तो नया वाला जो बॉन्ड बन रहे हैं AB बॉन्ड सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच में, वो सॉल्वेंट सॉल्वेंट या सॉल्यूट सॉल्यूट से खराब ही है। सॉल्वेंट सॉल्वेंट तो बहुत ही तगड़ा दिख रहा है अपने को। सेकेंड, कार्बन डाइसल्फाइड और SE2, फिर से वही बात, इतना मस्त पोलर लोग इसमें भले एच बॉन्डिंग नहीं बोल सकते बट पोलैरिटी इतना तगड़ा है कि ये दूसरे वाले एसीटोन को मस्त अट्रैक्ट कर रहा होगा। इतना बेचारा इसके साथ कहाँ से लाएगा? ये सब नॉन पोलर सॉल्वेंट बोला जाता है ना, कोई पोलैरिटी नहीं, कुछ नहीं, नीरस, ठीक है। तो इसमें कोई बॉन्ड डेवलप नहीं हो पाएगा, ये एसीटोन आपस में ही खुजता ज़्यादा। बेंजीन टॉलिन दोनों नीरस है ना, तो इस केस में क्या होता है? इसको तो आइडियल सॉल्यूशन बोलते हैं, इसमें डिविएशन ही नहीं होता है। पहले भी नीरस, अभी भी नीरस, पहले भी इनमें नॉन पोलर टाइप के एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और बेंजीन टॉलिन दोनों एक जैसे ही है। बेंजीन के रिंग पे CH3 लग जाए तो टॉलिन बोलते हैं। तो नया भी कोई बॉन्ड ऐसा कोई एक्स्ट्रॉर्डनरी बन नहीं सकता, जैसा पहले थे वैसे ही ये लोग बेचारे नए भी हैं। नेक्स्ट वाले में एनिलीन और फिनॉल, तो फिनॉल और एनिलीन जब आपस में आएगा ना तो रिंग के ऊपर OH होता है तो फिनॉल बोलते हैं। तो एनिलीन और फिनॉल इतना सारे हाइड्रोजन बेचारा लेके आता है एनिलीन साहब कि इन दोनों के बीच में मस्त बॉन्डिंग होता है, एक्सटेंट ऑफ बॉन्डिंग बहुत हाई होता है। इसका ऑक्सीजन, इसका हाइड्रोजन, इसका हाइड्रोजन, इसका नाइट्रोजन, तो बहुत तगड़ा बॉन्ड बनता है इन दोनों के बीच में। तो अब बॉन्ड तगड़ा हो जाता है तो उसको पॉजिटिव डिविएशन में जगह क्या बोलेंगे? नेगेटिव डिविएशन। तो ये याद होना चाहिए क्योंकि ये NCERT का डायरेक्ट एग्जाम्पल्स है, ऐसा भी नहीं कि कुछ अलग से एग्जाम्पल दे दिया और हम लोग को सोचना पड़ रहा है बाकी चैप्टर से रिलेट करके, नहीं, डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड NCERT एग्जाम्पल। ओके, आई होप इट हेल्प्स। Bye everybody, thanks for watching.